आज की सारी टीम मेरी इन शॉपरों के मुतालिक है। जैसे कि हम ये शॉपर में सौदा सलफ लेके आते ग्रोसरी वगैरह, तो हम इनको जाया समझकर फेंक देते, तो आज के बाद आपने इस तरह के शॉपरों को बिल्कुल नहीं फेंकना। तो हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ लेके आए, तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खरीय से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खरीय से। आज हम आपको शॉपर से मुतलक बहुत सारी वीडियो बताने वाले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने लेना एक कलरफुल शॉपर, तो इसको आपने इस तरह से रखना है, ये देखें जैसे मैं कर रही, इसी तरह से आपने करना है, क्योंकि बड़ी जबरदस्त टिप्स हैं आपके लिए, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से शॉपर को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आपने आज के बाद बिल्कुल शॉपरों को इस तरह से बेकार समझकर नहीं फेंकना है। तो जिससे जैसे मैं कट कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से शॉपर को कट करना है। तो सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस क्लियर करें। तो इस तरह से आपने करना क्या, शॉपर को ये देखिए इस तरह से आपने कर लेना है। तो अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं जो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से लेके आते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो जल्दी से हमारी लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये वाला जो हिस्सा था ना, मैंने इस तरह कट किया, तो आपने इसको इस तरह से रखना है। ये देखिए जी, इसको आपने इस तरह से करके छोटा सा आपने इसको इस तरह से गोल कर लेना। गोल करने के बाद आपने ये शॉपर वाला ये इस तरह से इसके मिड में इस तरह से रखना और इस तरह से आपने इसको करना है। यही मैं आपको बता रही हूँ, आपने जे सुनने से ज़्यादा देखने पर फोकस करना है। तो इस तरह से आपने इसको कट करना है, ये देखें इसी तरह से हमने इसको सारे शॉपर को इसी तरह से करना है। ये बहुत हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा, जो आपको बताएंगे कि क्या हमने इससे क्या बनाया है। तो आप भी इसी तरह से अपने घर को सजाएं और इस तरह की चीज़ें बनाएं, तो क्योंकि फारग बैठे भी बंदा बोर हो जाता है, तो आप इसी तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। तो इसी तरह से आपने इसको कट करना है, ये देखिए जी इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। छोटे हैक्स और टिप्स होती है जो आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा देंगे, बगैर किसी रुपया के खर्च किए आप अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से अपने पूरे के पूरे शॉपर को इसी तरह से आपने कट करना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए मैं बना कर दिखाती हूँ क्या बन रहा है। तो ये देखें जी, अभी मैं आपको कट करके सारा दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखें जी, सारे के सारा शॉपर हमने इसी तरह से इस्तेमाल कर लिया, इसमें हमने इसी तरह से इसको कट किया, आपने भी इसी तरह से कट करना है। ये देखें मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने इसका क्या बना लिया, इस तरह से आपने करना है। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमने एक फ्लावर तैयार कर लिया। तो इसको आपने बगैर ज़ीरो कॉस्ट में अपने घर में इसी तरह से आप अपने घर को ऑर्गेनाइजर कर सकते हैं। लगा लेना इसको आपने अच्छे तरीके से ना, इसको यहाँ से बैग पे इसको आपने बांध देना, ताकि ये फ्लावर जो है एक एक इसकी पत्ती है वो इस तरह से बिखर ना जाए। तो ये देखिए जी, इसको हम इस तरह से गिरा लगा देंगे। तो इसी तरह से आप अपने लिए ढेरों शॉपरों के इस तरह से रंग बिरंगे फ्लावर बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने गुलदानों में इसको सजा सकते हैं ना, कितना ज़बरदस्त। ये देखिए आपके लिए ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, घर में फारग बैठने से आप इस तरह अपने आप को मसरूफ़ करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त, अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। टिप भी हमारी इस तरह की कैप को लेके, हमारे घर में इस तरह के जार होते हैं जिनके ढक्कन जो है बहुत लूज़ होते हैं, वो एयर टाइट नहीं होते, तो हमने किस तरह से उनको एयर टाइट बनाना। तो इस तरह से आपने एक ले लेना पॉलीथिन बैग लेना, उसके ऊपर आपने इस तरह से ढक्कन को रखना, रखने के बाद आपने इस तरह से पेंसिल मार्कर के साथ निशान लगा लेने, उसको इस तरह से आपने कर लेना। ये देखे जी, इस तरह से निशानात लगाने के बाद आपने करना क्या है कि इस ढक्कन को उठाना है। उठाने के बाद आपने इस पॉलीथिन बैग को जहाँ से हमने निशान लगाए इस पर आपने नहीं कट करना, बल्कि एक इंच उसको ज़्यादा अजाफी कट करना है, ताकि ये हमारे लिए अच्छा ऑर्गेनाइज़र साबित हो। तो इस तरह से आपने इसको कट करना है। ये देखे जी, इस तरह से आप इसको कट कर लेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए जार जो है, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है पॉलीथिन बैग को। तो अब हमने करना क्या, जो हमारा जार है ना, इसके ऊपर हमने इस तरह से पॉलीथिन बैग रखना है और इसको हमने ऊपर से कैप लगा देना। ये देखें जी, इसमें इस तरह से ये एयर टाइट हो जाएगा, ना तो इसमें हवा जाएगी ना ही इसमें नमी जाएगी, तो जो हमारी कोई भी चीज़ होगी वो इस तरह से ख़राब नहीं होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि अक्सर हम थोड़ी सी गफलत से अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, महंगाई का दौर है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को करके अपनी मनी सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली, अगर आप पसंद आई तो लाइक जरूर करें। टिप हमारी इस तरह के कटिंग बोर्ड को लेके हैं, जब हम इस पर कोई चीज़ कटिंग करते हैं तो ये देखें जी, इस तरह से इसका लेवल नहीं होता तो ये खिसकता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इसी तरह से लेना एक पॉलीथिन बैग, आपके सामने मैं रख रही हूँ, ये देखें जी इस तरह से लेना आपने पॉलीथिन बैग, और ये एक लेना आपने
टिश्यू पेपर को आपने थोड़ा सा इस तरह से पानी की मदद से, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको गीला करना है। गीला करने के बाद आपने ये शापर के ऊपर इस तरह से रखते हैं ना पॉलिथीन बैग के ऊपर। अब हम इसके ऊपर रखेंगे कटिंग बोर्ड। तो ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसको हम जैसे मर्जी खींचेंगे इस तरह से, ना तो ये खिसकेगा ना ही हमारी चीज़ इधर उधर होगी। तो उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये देखें किस तरह से हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ लेके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और एक आपके लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के हमारे घर में जार वगैरह होते हैं, जाम वगैरह के, अक्सर हम लेके आते हैं शहद वगैरह की, ये जो बोतल होती है इस तरह खाली हो जाती है। तो हमने इसको करना क्या, इस तरह बेकार समझ के पड़ी रहती, फिर हम इसको वो उठाकर फेंक देते हैं कचरे में। तो आपने करना क्या, इस तरह के एक जो भी आपके पास कैप है उसको में आपने इस तरह से छोटे छोटे सुराख कर लेने। तो ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त हम आपके लिए जुगाड़ लेके आए। तो इस तरह से आपने करना क्या, इसकी जो बोतल होती है ना, ये मेरे पास हनी वाली बोतल थी, तो आपने करना क्या, इस तरह से लेने हैं। अक्सर हमारे घरों में कुरान खरनी वगैरह होती है, जलानी होती है अगरबत्ती वगैरह, तो किस तरह से हम इस अगरबत्ती को जला सकते हैं। तो ये देखें जी, अगरबत्ती भी हमारे पास काम होती है। तो आपने करना क्या, एक अगरबत्ती को आपने लेना, इस तरह से आपने अगरबत्ती के तीन से पीस कर लेने। ये देखिए आपके सामने, तो बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है, ये आप ज़रूर करें। तो इस तरह के जो उसके वेस्ट होती है वो भी आप इसमें डाल दें, क्योंकि इस तरह से आपने करना क्या, ये देखिए जी, हम इसको माचिस के साथ जलाएंगे आपके सामने ही। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है और एक ही अगरबत्ती से हम अपने घर को महकाएंगे, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू जो है वो सारे घर को महका देती है और सबको बहुत अच्छी लगती है। तो आपने करना क्या, जब भी आप घर के घर में कुरान खानी वगैरह हो तो आपने इस तरह से इनको जला लेना। जलाने के बाद आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा बुझा देना, बुझाने के बाद आपने इसमें इस जार में रख देना। तो आपने इसको इस तरह से रखेंगे ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है। ये देखिए जी, इसमें कितना धुआं आ गया और इसमें से वो निकल रहा है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, जैसे नज़दीक करके देख ले आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें से निकल रहा है। तो बहुत सारा घर महक जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। अगरबत्ती को जलाया, जो इसकी वेस्ट है वो भी इसके अंदर रहेगी और राख जो है वो बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर को भी महका सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये देखिए जी, मैं आपको ढक्कन खोल के भी दिखाती हूँ कितना इसमें अच्छे तरीके से जो इसमें धुआं वगैरह बना हुआ है खुशबू का, तो इसी तरह से ये इसमें से निकलेगा छोटे सुराखों से और आपका घर सारा मुअत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के हमारे घर में शापर जो होते पॉलीथिन बैग आते रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो शापरों में आती है, तो हम इनको इस तरह से पड़े रहते हैं, फेंक देते हैं। तो इनको आपने कभी भी नहीं फेंकना, क्योंकि वक्तन वक्तन हमें इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है और हमें इसकी ज़रूरत भी होती है। तो आपने करना क्या, आज की सारी टिप आपने देखी है इसी तरह से बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हमारी आज की सारी टिपें हैं। तो आपने इन शापरों को करना क्या, इस तरह से आपने पकड़ना एक शापर, इसमें आपने दूसरा शापर जो इसी तरह से, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से आपने इनको करना है। क्योंकि ऑर्गेनाइज़र करके रखें तो हमें अच्छा लगता है, हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़र कर रहे हैं तो चीज़ें बिखरी भी नहीं होती, और जो मेहमान आता है तो वो भी कहते हैं भाई बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी अच्छी माँ ने तरबियत की है जो अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो इसी तरह से आपने सारे शापरों को करना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए जुगाड़ है। इस तरह से अगर आप रखेंगे इनको तो ये जगह भी ज़्यादा नहीं लेंगे और ये महफूज भी होंगे, जब आपको ज़रूरत होगी आप इनको आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें जी, सारे के सारे शापर आपने इस तरह से कर लेने हैं। या तो आपने ले लेना टिशू का खाली डिब्बा, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने करना क्या है, कोई कंटेनर ले लें। मैं आपको फिलहाल तो टिशू का डिब्बा ही दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने इन पॉलीथिन बैग को इस तरह से इसके अंदर जी देखिए एडजस्ट कर लेना सारे के सारे को। जब आपको ज़रूरत होगी, जितना ज़रूरत होगी आप इसको खींचेंगे वही आपको मिलेगा। तो ये देखें जी, इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस तरह से इनको निकाल सकते हैं। ये देखें एक एक करके, ये देखें बेशक आप दूसरी तरफ से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि जितनी आपको ज़रूरत होगी वही बैग आपके लिए बाहर आएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको कोई भी हमारी टिप पसंद आती तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से मौसम हमारा ख़राब होता है, कभी इस तरह से होती है कि अक्सर बारिश वगैरह होती है, कभी कभी होता है कि हमने कभी कहीं जल्दी से जाना है तो हमारे कपड़े गीले होते हैं। तो किस तरह से हम अपने कपड़ों को खुश कर सकते हैं, तो वो भी एक पॉलीथिन बैग की मदद से। तो आए हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक लेना पॉलीथिन बैग, उसमें आपने अपने कपड़े डाल लेने, जो वो आपके कपड़े आपने वाश किए हैं या गीले हैं, तो जिनको आपने जल्दी से खुश करना है। तो इस तरह से आपने करना क्या,
इस तरह से आपने शॉपर में सारे कपड़े डाल देने, बेशक एक ही बार में अपने 3-4 सूट भी डाल सकती हैं, या आप अकेला अकेला करके भी डाल सकते हैं जितने आपको चाहिए। तो इस तरह से आपने लेना है, आपने लेना हेयर ड्राई, तो उसको आपने चलाना है। ये देखिए जी, इस तरह चलाने के बाद आपने इसको इसी तरह से शॉपर में इस तरह से अच्छी तरीके से बंद कर लेना और इसको इस तरह से आपने पकड़ लेना है। तो ये देखिए, इसी 2 से 3 मिनट में आपके सारे के सारे कपड़े खुश्क हो जाएंगे और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और जहाँ जाना आपने फटाफट तैयार हो और जाएँ। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद हम दिखाते हैं आपको कितने अच्छे तरीके से हमारे जो कपड़े हैं वो खुश्क हो चुके हैं। ये देखें जी, और जिस तरह करें और जाएँ जहाँ जाना आपने। तो ये देखें, उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं, तो आपके एक शेयर से हमें हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।